जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, बहुत से व्यापारियों के मेरे पास मैसेज आते हैं और बहुत से जो दुकानदार हैं उनके भी काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं कि भैया मेरी दुकान नहीं चल रही है, शायद किसी ने दुकान में कीलन कर दिया है या फिर बंदेज लगा दी है या फिर कुछ करवा दिया है जिसके वजह से मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। मैं तो बहुत आशा से आपसे जुड़ना चाहता हूं, आपके ग्रुप में जुड़ना चाहता हूं और आपसे सानिध्य में भी साधना करके मतलब बहुत सी जानकारी लेना चाहता हूं। तो बहुत लोग परेशान रहते हैं और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी है कि कुछ ऐसा आप उपाय बताइए या कुछ ऐसा प्रयोग बताइए जिससे कि जो काम धंधा करने वाले व्यापारी भाई लोग हैं और दुकानदार लोग हैं, जो छोटे मोटे स्तर के भी हों चाहे बड़े स्तर के हों, तो उनको लाभ ही लाभ मिले और उनके जो दुकान के अंदर नकारात्मक ऊर्जा या फिर जो टोना टोटका या फिर नज़र बाधा, तो ये सब चीज़ें उनके घर में मतलब कि जो दुकान है उस पे और व्यापार पे नज़र ना पड़े। तो उसके लिए मैं एक शावर मंत्र आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इसको कोई भी माता बहने या फिर कोई भी उम्र का पुरुष या कोई भी उम्र का जो बुजुर्ग आदमी है उसको सिद्ध कर सकता है। इसमें ना तो माला की आवश्यकता पड़ेगी, ना आसन की, ना फिर चिराग की, कुछ भी नहीं। सामने आपको केवल दो बत्ती जला लेनी है और 1001 बार इस जो मंत्र को मैं बताऊंगा उसका जाप कर लेना है बस। और सिद्ध करने के बाद जो छोटे बच्चे हैं जैसे कन्याएं होती है उनको आपको केवल भोजन करा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको जब इसको प्रयोग में लेना होगा तो आपको 5 नींबू जो 21 बार पढ़कर 5 नींबू को उसमें फूंक लगाकर उस मतलब कि जो नींबू हैं उसको अभिमंत्रित कर एक धागे में पिरोकर, जैसे कि आप लोग नींबू मिर्ची जो टांगते हैं अपनी दुकान में वैसे 5 नींबू, ठीक है, 5 नींबू का अभिमंत्रित कर 21 बार पढ़ पढ़कर आपको अपने मेन गेट के सामने, शटर के सामने या फिर जो दुकान का मेन दरवाज़ा है उसके सामने आपको टांग देना है बस। साइड में टांग सकते हैं, बीच में टांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको सही लगे। और जो प्रयोग है आपको डेली जो करना है, आपको 21 दाने राई के ले लेने हैं और जो 21 दाने राई के लेंगे आपको इसको 21 बार पढ़कर अभिमंत्रित कर इसी मंत्र से अपनी दुकान के आखिरी कोने से लेकर मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक की सारे दानों को थोड़ा थोड़ा करके फैला देना है, ठीक है। फिर जब सुबह आप झाड़ू लगाएंगे तो साफ़ सफाई के दौरान आपको उन दानों को इकट्ठा करके दुकान से बाहर फेंक देना है, ठीक है। दोस्तों, ये छोटा सा प्रयोग था और ये बहुत चमत्कारी मंत्र है जो मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो मंत्र थोड़ा गौर से सुनिएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो मंत्र सुन लीजिए दोस्तों। ओम नमो आदेश गुरु को 52 बार 64 सातु कलवा पाचू वड़वा जिन भूत परीत देव दानव दुष्ट मुष्ट मैली मशाण इन्हीं को कील कील नजर दीठ मूठ टोना टारे लोना चमारिन गाजे या धंधे दुकान की बरकत को बंधन छुड़ावे तो माता हिंगलाज की दुहाई। दोबारा से सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को 52 बार 64 सातु कलवा पांचू वड़वा जिन भूत परीत देव दानव दुष्ट मुष्ट मैली मशाण इन्हीं को कील कील नजर दीठ मूठ टूना तारे लोना चमारिन गाजे या धंधे दुकान की बरकत को बंधन छुड़ावे तो माता हिंगलाज की दुहाई। दोस्तों, इस मंत्र में सब कुछ आ जाता है, हर एक भूत प्रेत नज़र टोना टोटका हर एक चीज़ आ जाती है जो आपके दुकानदारी में व्यापार में आपको दिक्कत पैदा करती है। तो इस मंत्र में हर एक बंधन काटने का और उसको उसके निवारण का हर एक प्रयोग मिल जाएगा आपको करने के लिए। ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, इसको करके ज़रूर देखिएगा। शमशान की राख डाल देना या हड्डी डाल देना या फिर कील ठोक देना, उसे बंदेज लगा देना, बंधन लगा देना जिससे कि धन आगमन नहीं होता है व्यापारी में और जो व्यापारियों का जो दिक्कतें पैदा होती हैं जैसे कि ग्राहक नहीं आते हैं, उनकी बोनी जल्दी नहीं होती है, बोनी भी होती है तो बड़ी खोखट से होती है, सारा दिन ख़राब रहता है, कोई ग्राहक नहीं आते हैं, खोखट मची रहती है। तो ये उपाय करने से आपको पूरी तरीके से इसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा, 110% इस बात की गारंटी के साथ कि आपको इस चीज़ में आराम मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए आदेश, जय बोले।